से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। शहरियों के अहम मसाइल पर कनाडा अमेरिका के साथ काम जारी रखेगा। कैनेडियन वजीरे आजम का कहना है कि किसी भी हुकूमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, कनाडा और अमेरिका अहम इक्तिसादी शराकदार रहेंगे। सूबे में बच्चों की तालीम में कोई खलल नहीं चाहते, ऑन्टेरियो के प्री मेयर का कहना है कि क्यूब के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए तैयार हैं, तालीमी अमले के लिए एक बेहतर पेशकश ला रहे हैं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में जुमेरात को गैस की कीमतों में कमी मुतवक्के। माहरीन का कहना है कि फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 सेंट की कमी हो सकती है, ड्राइवर जल्द ही गैस की कीमतों में इजाफा भी देख सकते हैं। चीन का सबसे बड़ा एयर शो शुरू, जदीद तैयारों की नुमाइश। चीन का सबसे बड़ा एयर शो जुहाई शहर में शुरू। चीन ने पहली बार अपना एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल मुतारिफ करा दिया। न्यूजीलैंड में 51 नमाजियों को शहीद करने वाले मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने ब्रेंटन टैनेंट को ताहयात उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम ने सजा सुनाए जाने से कबल दिफा की पेशकश कबूल नहीं की थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अपने शहरियों के अहम मसाइल पर कैनेडा अमेरिका के साथ काम जारी रखेगा। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अपने शहरियों के अहम मसाइल पर कैनेडा अमेरिका के साथ काम जारी रखेगा। जैसा कि अमरीकी आज वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं, वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडा अपने करीबी इत्तेहादी के साथ काम जारी रखेगा, कतई नज़र उसके कि हुकूमत में कोई भी हो। ट्रूडो का कहना था कि कैनेडा और अमेरिका अहम इक्तिसादी शराकतदार रहेंगे, जो सरहद के दोनों तरफ के लोगों के बाहमी फायदे के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रूडो से जब मुमकिन नतायज के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने माजी में इंतजामिया की बहुत मुख्तलिफ हालात के जरिए काम किया है, कैनेडा और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की दोस्ती और मजबूती जारी रहेगी, कतई नजर इसके कि वस्त मुद्दत में कुछ भी हो जाए। पोलिंग ने तजवीज़ किया कि डेमोक्रेट्स एक मुश्किल रात गुजारेंगे, क्योंकि वोटर्स अमरीकी मीशत बेकाबू अफरात जर और जराइम के बारे में मुसलसल खदशात का इजहार करते हैं। वस्त मुद्दती इंतखाबात व्हाइट हाउस को कंट्रोल करने वाली पार्टी के लिए शाजो नादिर ही कैक वॉक होते हैं, लेकिन जिद, महंगाई, मुआशी बेचैनी और सदर जो बाइडन की मायूस कुन मंजूरी रेटिंग रिपब्लिकन्स के लिए रॉकेट का ईंधन बनी हुई है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्री मेयर का कहना है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बच्चों को स्कूल में चाहता हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि उनकी हुकूमत तालीमी कारकुनों के साथ लड़ाई बंद करने और उनके हड़ताल के हकूक को छीनने वाली कानून साजी को मनसूख करने के वादे के एक दिन बाद एक बेहतर पेशकश के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए तैयार है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फोर्ड ने कहा कि वो इस बारे में तफसीलात हासिल नहीं कर सकते कि नई पेशकश में क्या शामिल है, लेकिन कहा कि ये बेहतर है, ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले कारकुनों के लिए। वजीर आला ने सहाफियों को यह भी बताया कि वो यूनियन के साथ लड़ाई के मरहले से गुजर चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो हफ्ते के आखिर तक मुज़ाकरात ख़त्म होते देखना पसंद करेंगे। उनका कहना था कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बच्चों को स्कूल में चाहता हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ। बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली बातचीत के बारे में तफसीलात कम ही हैं, लेकिन क्यूब के ऑन्टेरियो स्कूल बोर्ड काउंसिल ऑफ यूनियंस की सदर लोरा वॉल्टन ने फोर्ड की बेहतर पेशकश पर शक जाहिर किया है। उनका कहना था कि मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक बेहतरी है, मेरे ख्याल में
अब भी एक बड़ी तशवीश है, हम दो तरफा सौदेबाजी नहीं करते। ये तबसरे उस वक्त सामने आए जब कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज के दो रोज़ा वॉकआउट के बाद स्कूल दोबारा खुल गए, जिसके तकरीबन 55,000 अराकीन हैं। माहरीन का कहना है कि कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में अगले दो दिनों में ईंधन की कीमत में कमी मुतवक्के है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में जुमेरात को गैस की कीमतों में कमी मुतवक्के है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे भर में ड्राइवर्स जुमेरात तक अपने गैस टैंकों को भरने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगले दो दिनों में ईंधन की कीमत में कमी मुतवक्के है। सनत के तजियाकार और कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटेक के मुताबिक ऑन्टेरियो में एक लीटर पेट्रोल की औसत कीमत जुमेरात को 4 सेंट्स गिरकर 172.9 सेंट फी लीटर और मजीद 4 सेंट्स कमी के बाद 168.9 सेंट्स फी लीटर होने की तवक्को है। ये कमी अक्टूबर में सूबे में ईंधन की कीमत 3 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचने के बाद सामने आई है। माहिरीन का कहना है कि अगले दो दिनों में मुतवक्के रिलीफ के बावजूद गैस की कीमतों में इजाफा जारी रहेगा और ड्राइवर जल्द ही कीमतें 2 सेंट फी लीटर से ज्यादा देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के एडजस्ट शुदा गैस टैक्स की शरह, जिसमें तकरीबन 6 सेंट फी लीटर की कमी की गई है, जनवरी में अपनी मामूल की शरह पर वापस आने वाली है, जिससे ईंधन की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। अभी तक फोर्ड हुकूमत ने यह नहीं कहा कि आया वो महदूद वक्त में तौसी पर गौर करेगी। मैकटेक ने कहा कि अफराते जर कार्बन आलूदगी से निमटने के लिए मखसूस पॉलिसियों के साथ बशमूल वफाकी हुकूमत का तयशुदा क्लीन फ्यूल स्टैंडर्ड टैक्स ईंधन की कीमतों को मजीद मुश्किल बनाता रहेगा। चीन का सबसे बड़ा एयर शो चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन जुहाई शहर में शुरू हो गया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन का सबसे बड़ा एयर शो चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन जुहाई शहर में शुरू हो गया है। एयर शो में चीन ने अपने जंगी तैयारों और जदीद हथियार नुमाइश के लिए पेश किए। चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में जदीद तरीन एंटी ड्रोन कॉम्बैक्ट सिस्टम भी पहली बार मंजर आम पर आया, जो इंतहाई सुराख रसा सिस्टम, बग़ैर पायलट के चलने वाले आलात और बआसानी नकल व हरकत करने वाले हथियारों से लैस है। इस एयर शो में पहली बार चीन ने अपना एंटी शिप हाइपरसोनिक मिज़ाइल मुतारिफ करवाया है। ये मिज़ाइल 2000 किलोमीटर से ज़ायद मार करने की सलाहियत रखता है। ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारे में नस था। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि ये मिसाइल तैयारा बर्दार बहरी जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमलों के मुजरिम ने सजा के खिलाफ अपील कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमलों के मुजरिम ने सजा के खिलाफ अपील कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2019 में क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद करने वाले सफ़ेद फाम नस्ल परस्त मुजरिम ब्रेंटन टेरेंट ने सजा के खिलाफ अपील कर दी। न्यूजीलैंड कोर्ट का कहना है कि मुजरिम ब्रेंटन टेरेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। मुलजिम ने वेलिंगटन की कोर्ट ऑफ अपील में सजा के खिलाफ अपील दायर की है, जिसकी समाअत की तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। न्यूजीलैंड की अदालत ने जुर्म साबित होने पर अगस्त 2020 में ब्रेंटन ट्रेंट को ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद पर हमले और दर्जनों मुसलमानों के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाने वाला सफेद फाम इंतहा पसंद ब्रेंटन टेरेंट ये दलील पेश करना चाहता है कि 2019 में होने वाले कत्ल का एतराफ उसने दबाव के तहत किया। ब्रेंटन के वकील का कहना है कि उसका मौक्कल ये समझता है कि रिमांड पर उसके साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। वकील ने कहा कि ब्रेंटन टेरेंट ने सजा सुनाए जाने से कबल दिफा की पेशकश कबूल नहीं की थी। वाज़ह रहे कि मुजरिम ने मार्च 2019 में क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद किया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।